नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ढहरा गांव में गुरुवार रात को ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जो प्रारंभिक जांच में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम लगता है। पुलिस इसे बड़ा खतरा मानते हुए इंटेलिजेंस को सौंपने की तैयारी में है। दरअसल ये आरोपी कुछ बोल नहीं रहा, जो पूरी तरह ट्रेंड लगता है। इस कारण पुलिस अभी तक कुछ खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। रात करीब 10:30 बजे ग्रामीणों ने घेरा ढहरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर खेतों में रह रहे रामजस यादव के घर करीब 4-5 लोगों को देखा गया। रामजस के घर में कुछ दिन पहले चोरी भी हो चुकी है। परिवार के लोगों को पता लगने पर ये संदिग्ध लोग भाग निकले। ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को बाजरे के खेत में घेर कर पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचते ग्रामीणों ने युवक को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने युवक से मारपीट नहीं की। युवक संदिग्ध है और प्रथम दृष्टि से तो बांग्लादेशी मुस्लिम लगता है, लेकिन युवक कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा लगता है ये पूरी तरह से अपराध में लिप्त है और ट्रेंड भी है।